नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नौकरी को हो जाएं तैयार, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर 21 मार्च को। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक चलेगा एग्जाम। आज और कल मौसम साफ, 3 से बारिश बर्फबारी, शीतलहर का प्रकोप जारी, शिमला से भी ठंडा, चंडीगढ़ और ऊना। 5-day week खत्म, मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना। शिमला से 41 ने वापस लिया नाम, अब 129 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना नहीं होगी कन्विंसिंग, प्रत्याशी हो या समर्थक सभी को साथ रखनी होगी कोविड रिपोर्ट। नई दिल्ली में अतिथि गृह के निर्माण कार्य में तेजी लाए विभाग, सीएम ने पीडब्ल्यूडी को दिए निर्देश। इंदौरा में जिला पार्षद के लिए 8 ने भरे नामांकन। चिंतपूर्णी में नववर्ष मेले का आगाज, पहले ही दिन उमड़ा श्रद्धा और आस्था का जनसैलाब, रंग बिरंगे फूलों से सजा माँ चिंतपूर्णी का दरबार। और अब समाचार विस्तार से। नौकरी की आस में बैठे बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की छंटनी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इनमें से पोस्ट कोड 817 के तहत होने वाली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती 21 मार्च 2021 को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि इसके तहत 1756 पदों की भर्ती की जाएगी। ये जानकारी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी। इसके अलावा अन्य पदों की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर 2203 पदों की भर्ती होने जा रही है। परीक्षा का क्रम 31 जनवरी 2021 से शुरू होने वाला है। प्रदेश के स्कूलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से होंगी, जो 10 जून तक चलेगी। इस बारे में शिक्षा मंत्रालय की ओर से वीरवार देर शाम अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीबीएसई स्कूलों से संबंध रखने वाले सभी छात्रों को काफी समय से इस डेट शीट का इंतजार था। वहीं अभिभावक भी मांग कर रहे थे कि छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी का समय मिल सके, इसके लिए मार्च की बजाय परीक्षाओं को अप्रैल मई तक एक्सटेंड किया जाए। अभिभावकों की मांग पर अब मई में परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया गया है। नए साल के पहले और दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 जनवरी से प्रदेश में मौसम करवट बदलेगा। 3 जनवरी से प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ और ऊना शिमला से भी ठंडे हैं। शिमला में जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं चंडीगढ़ का तापमान 2 डिग्री के आसपास है। वहीं ऊना जिले में तापमान 0 के आसपास चल रहा है। ऊना का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस है। ऊना जिला का रात का तापमान जहां शिमला से भी ठंडा है, तो वहीं दिन का तापमान पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दिन में ऊना जिले का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए 28 नवंबर 2020 को शुरू की गई 5-day week की व्यवस्था खत्म करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनिल खाची की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब आगामी 2 जनवरी को ये आखिरी शनिवार होगा, जब सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके बाद पहले की तरह हफ्ते में 6 दिन सभी कर्मचारी दफ्तर आएंगे। ये व्यवस्था क्लास 1 से क्लास 4 तक सभी कर्मचारियों के लिए होगी। शिमला जिले से शहरी निकायों के चुनावों के लिए 129 प्रत्याशी मैदान में हैं। इससे पहले 170 उम्मीदवारों ने शहरी निकायों के चुनावों के लिए नामांकन पत्र दर्ज करवाया था। इनमें से आज 41 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। ऐसे में 129 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं, साथ ही कोरोना संक्रमण का दौर भी चल रहा है। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए कोविड रिपोर्ट के साथ रखने के आदेश दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पंचायत चुनाव हो या फिर नगर निकायों के चुनाव, हर प्रत्याशी या उसके समर्थकों को चुनाव प्रचार के दौरान कोविड रिपोर्ट साथ रखनी होगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली के द्वारिका में राज्य के अतिथि गृह के निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इस परियोजना के निर्माण कार्य को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए ताकि इसे निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक हिमाचली वास्तुकला का मेल होना चाहिए। अतिथि गृह से प्रदेश के लोगों को समय समय पर दिल्ली आने जाने पर ठहरने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि अतिथि गृह में हवादार और रोशनी वाले कमरों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता और नवीनतम तकनीक के उपयोग को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर विधानसभा क्षेत्र इंदौरा में एसडीएम कार्यालय में 8 जिला पार्षदों ने नामांकन भरकर अपनी दावेदारी पेश की है। ये जानकारी एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम ने दी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठे न हों। इसके अलावा पोस्टर आदि चुनाव चिन्ह मिलने के बाद लगाएं, अन्यथा उन पर चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में वीरवार से नववर्ष मेले का आगाज हो गया है। 2 दिवसीय इस मेले के दौरान चिंतपूर्णी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश विदेश से मंगवाए गए रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। मेले के पहले ही दिन माता रानी की पवित्र पिंडी के दर्शन करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा माँ के भक्तों को पर्ची सिस्टम के जरिए दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं मेले के दौरान कोविड नियमों की भी पालना करवाई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा मेले के दौरान सुरक्षा में 125 के करीब सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर न्यास द्वारा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मेले के पहले दिन सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने माता की पवित्र पिंडी के दर्शन किए। डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि नववर्ष मेला के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डीसी ऊना ने बताया कि मेला क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में एक पुलिस अधिकारी और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। डीसी ऊना ने कहा कि नववर्ष मेला के दौरान मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे, वहीं कोविड नियमों को अभी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं बाबा बालकनाथ जी की तपोभूमि शाहतलाई में नववर्ष के उपलक्ष में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा मंदिर गूंजता रहा। वहीं बाबा बालकनाथ मंदिर देवट सिद्ध को भी रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। मंदिर न्यास अधिकारी एवं एसडीएम झंडूता विकास शर्मा ने कहा कि मंदिर रात के 11 बजे तक खुला रहेगा, जबकि नववर्ष की सुबह 5 बजे मंदिर को खोला जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि मंदिर में बाबा जी के दर्शन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। हिमाचल दस्तक परिवार की तरफ से सभी पाठकों दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।